दोस्तों तुलसी के पत्ते के फायदे, तुलसी के फायदे या फिर उसका प्रयोग आप बहुत ही सुनते हुए आ रहे हैं हमेशा से, और वाकई में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है तुलसी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तुलसी के बीज के फायदे के बारे में, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही बहुत ही बेहतरीन औषधि के रूप में मानी जाती है। महिला और पुरुष दोनों के ही कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है तुलसी के बीज का प्रयोग होता है और बहुत ही असरदार साबित होता है। इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को आज तक देखते रहे, पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर में तुलसी के बीज का क्या प्रयोग है, क्या इसके फायदे हैं। तो तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। आयुर्वेद में तुलसी को उसके औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व दिया गया है। तुलसी ऐसा औषधि है जो ज्यादातर बीमारियों में काम आता है। इसका प्रयोग सर्दी, जुखाम, खांसी, दंत रोग और सांस संबंधी रोगों में किया जाता है। यौन संबंधी उपयोग के लिए तुलसी के बीज का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। तो आइए हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से फायदे हैं जो तुलसी के बीजों से हमें मिलता है। तो तुलसी के बीज के जो फायदे हैं वो शुक्राणुओं में वृद्धि करने का काम करता है, यह पौष्टिक है, यौन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा शीघ्र पतन, नपुंसकता की समस्या में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसके अलावा महिलाओं के लिए मासिक संबंधित समस्या और गर्भधारण में आई दिक्कत में प्रयोग किया जाता है, यानी कि तुलसी के बीज का भी आयुर्वेद के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रयोग बताया गया है। अब हम बात करते हैं इसके प्रयोग के तरीके पर कि प्रॉब्लम्स में हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग के लिए जब भी तुलसी में खूब फूल यानी जो मंजीरे होते हैं, इसके जो आप देखते होंगे इतने बड़े बड़े जो मंजीरे होते हैं वो लग जाए तो उन्हें पकने के बाद तोड़ें, कच्चे ना तोड़ें, जब पकेगा तभी उसके अंदर से बीज निकलेगी। इस मंजीरे में से काले बीज को अलग कर लें और इसे टाइट कंटेनर में बंद करके रख लें। तुलसी का बीज जो है मार्केट में भी मिल जाता है, अगर आपको ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से जो है मंगा सकते हैं। इस बीज को 5 ग्राम रोजाना रात को गर्म दूध के साथ लेकर सोने से आपका शीघ्र पतन, वीर्य की कमी और नपुंसकता सब कुछ दूर होता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जाड़ों के दिनों में तुलसी के बीजों का 0.5 ग्राम मात्र लेकर उसे पीस लें। उसके बाद इस पीसे हुए मिश्रण को पान के साथ, सादे पान के साथ आप लेने की कोशिश करें, या फिर सिर्फ कत्था और चूना वाले पान के साथ रोजाना सुबह शाम खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है आयुर्वेद में। खाली पेट यानी इसे खाने के 2 घंटा पहले और 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। जो लोग पान नहीं खा सकते हैं वो लोग इस पिसे हुए बीज के 2 गुने भाग में गुड़ लेकर के, गुड़ के अंदर मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं। इससे जो है वीर में शुक्राणुओं की बढ़ोतरी होगी, इसी के साथ आपके रक्त की भी शुद्धि होती है, यानी यह आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। इस विधि को कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन तक करने की सलाह दी जाती है। और तुलसी के बीज का प्रयोग जाड़ों के दिनों में ही करना चाहिए, क्योंकि यह तासीर में बहुत ही गर्म होता है। गर्मियों में करेंगे तो आपके शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी। इसको प्रयोग करते वक्त ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, मसालेदार अचार, इमली आदि का जो है सेवन आपको नहीं करना चाहिए। पेट में कब्ज के दौरान भी इस विधि का प्रयोग ना करें, पहले कब्ज को ठीक करें, कब्ज है तो कब्ज को ठीक करें उसके बाद इसको प्रयोग करें, नहीं तो यह और आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब इस विधि का इस्तेमाल करें तब आपको संभोग नहीं करना है। इसके अलावा तुलसी का बीज 25 ग्राम, धागे वाली मिश्री 30 ग्राम और असली अकरकरा 5 ग्राम लेकर सभी को पीसकर चूर्ण बनाकर टाइट कंटेनर में रख लें और रात के भोजन के 2 घंटे पहले 10 ग्राम यह चूर्ण का सेवन करें, फिर 1 गिलास ठंडा पानी पी लें। यह चूर्ण बहुत ही पौष्टिक और यौन शक्ति को बढ़ाने वाला साबित होगा। पूर्णतः लाभ के लिए 2 सप्ताह तक आप इसका यूज करें, आपको इसका प्रभाव बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। इसके अलावा 15 ग्राम तुलसी का बीज, 30 ग्राम सफ़ेद मूसली और 60 ग्राम धागे वाली मिश्री एक साथ पीसकर पाउडर बना करके टाइट कंटेनर में रख लें। फिर इसकी 5 ग्राम सुबह शाम जो है 5-5 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करें। इससे आपके किसी भी प्रकार की जो यौन दुर्बलता है वो दूर होती है, पूरा ओवरऑल आपकी सेहत बनती है और बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा
महिलाओं के अंदर मासिक स्राव के दिन से स्राव कायम रहने तक तुलसी का बीज 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम पानी या फिर दूध के साथ लेने से मासिक धर्म का लगभग सभी समस्याएं जो है ठीक होती हैं, मासिक धर्म दूर होता है, जैसे ब्लड का कम आना यानी मासिक धर्म का बहुत ही कम आना, फिर ज़्यादा दिन तक आना या फिर थोड़ा थोड़ा आना फिर बहुत ज़्यादा आना, इस टाइप की जितनी सारी समस्याएँ हैं वो दूर होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप महिला हो या पुरुष अपने इस टाइप के पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए तुलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।